स्क्रीन विजिबल है तो बता दो। यस मैम। ओके सी, वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तुम लोगों का थोड़ा सा जो थियोरी का कंसेप्ट है ना, वो रह गया है, वो एक दिन के लेक्चर में हो जाएगा। कुछ दो तीन टॉपिक्स जो है वो रह गए हैं सिर्फ, बाकी का जो पार्ट है वो हम लोग प्रैक्टिकल का पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे फिलहाल, बिकॉज एग्जाम्स नियर है तुम लोगों के। थियोरी के सिर्फ एक दो टॉपिक्स लास्ट चैप्टर के जे क्वेरी के बच गए थे, वो किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में मैं करवा दूंगी। ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल सी। अब हम लोग बेसिक टैग्स तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि एचटीएमएल के बेसिक, ये फर्स्ट चैप्टर जो हमारा एचटीएमएल का हुआ उसमें हमने ये सारे बेसिक टैग्स देखे रहे, तो उसी के ऊपर ये फर्स्ट प्रैक्टिकल है तुम्हारा। अब रन कैसे करना है वो इसमें बताया हुआ है। देखो अभी फिलहाल जो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ये मोबाइल पे कर रही हूँ, तो इसके थ्रू मैं तुमको प्रैक्टिकल्स रन करके नहीं बता सकती, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो जो रनिंग वाला किस तरह से प्रैक्टिकल्स पर्टिकुलरली रन किए जाते हैं, तो ये चीज़ का मैं पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बनाऊंगी और वो यूट्यूब पे डालूंगी, तुम लोग वो वीडियो देख लेना वहाँ से। ठीक है, अभी फिलहाल मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कोड क्या है, किस तरह से स्टेप्स रहते हैं परफॉर्म करने के, और जो करके दिखाना है वो मैं अलग से वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दूंगी। नाउ सी एच टी एम एल बेसिक टैग्स। तो फर्स्ट इसमें तीन प्रोग्राम्स दिए हुए अलग अलग टैग्स का यूज़ करते हुए। फर्स्ट सी, एच टी एम एल टैग्स आर द हिडन कीवर्ड्स विद द वेब वेब पेज द डिफाइन हाउ योर वेब ब्राउजर मस्ट फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द कंटेंट। मोस्ट टैग्स मस्ट हैव टू पार्ट्स, एन ओपनिंग एंड अ क्लोजिंग पार्ट। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एच टी एम एल वाले सब्जेक्ट चैप्टर में देख चुके हैं, एक क्लोजिंग टैग होता है एक ओपनिंग टैग होता है। जैसे एच टी एम एल ओपन होता है तो एच टी एम एल क्लोज भी होता है। ठीक है, बॉडी ओपन होती है तो बॉडी क्लोज भी होती है, टाइटल टैग ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है, हेड टैग ओपन हो रहा है तो क्लोज भी हो रहा है। तो एवरी टैग विच इज यूज इन एच टी एम एल हैज एन ओपनिंग एज वेल एज इन क्लोजिंग। ठीक है, एच टी एम एल इज द ओपनिंग टैग एंड स्लैश एच टी एम एल। तो जब भी हम कोई टैग को ओपन करते हैं उसके अंदर का कंटेंट लिख देने के बाद जब उस टैग को क्लोज करना रहता है तो हम स्लैश लगाते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो तुम लोग, दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस क्लोज टैग। तो हमेशा स्लैश से क्या करते हैं हम लोग, कोई भी टैग को क्लोज करते हैं। इंटेंट टू इंटरप्रेट दिस एज द एंड और क्लोजिंग कैरेक्टर। तो ये क्या बताता है कि जो भी टैग यहाँ पे स्लैश से क्लोज हुआ है यहाँ पे एच टी एम एल के डॉक्यूमेंट का क्लोजिंग हो गई। अब देखो एक पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे और फिर वो प्रोग्राम को सेव कैसे करते हैं, फिर उसको रन कैसे करते हैं। तो मैं पूरे स्टेप्स अभी बोलकर बताऊंगी और फिर रन करने का बाद में वीडियो बता दूंगी तुम लोगों को। तो लेट्स सी द प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम नंबर वन किस लिए है, डिजाइन अ वेब पेज यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स। हम लोग फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करके एक वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग टैग्स कौन थे, कौन कौन से थे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स जैसे बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया, राइट। हमने बहुत सारे वेरियस फॉर्मेटिंग टैग्स देखे थे, तो इसमें से फ्यू फॉर्मेटिंग टैग्स हम लोग यूज करके एक वेब पेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कोड क्या, जो स्ट्रक्चर है HTML का स्ट्रक्चर ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले क्या ओपन होता है, डॉक टाइप HTML ओपन होता है। अब एक चीज याद रखना, जो भी कोडिंग करोगे ये नोटपैड प्लस प्लस में करना है। अपना PC ऑन किया, नोटपैड प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर वहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करना है, न्यू फाइल ओपन करनी है और वहाँ पे ये टाइप करना है। जो भी कोड मैं अभी बता रही हूँ वो कहाँ पे टाइप करोगे, नोटपैड प्लस प्लस में टाइप करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहला जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, डॉक टाइप एच टी एम एल। वॉट इज डॉक टाइप एच टी एम एल, ये हमारे ब्राउजर को ये बताता है कि जो भी कोडिंग हम कर रहे हैं ये एच टी एम एल का डॉक्यूमेंट है, एच टी एम एल की कोडिंग है। ठीक है, जब तक हम ये पर्टिकुलर टैग नहीं लगाते तब तक ब्राउजर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि जो कोडिंग की जा रही है ये एच टी एम एल है या कुछ और है। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है हमारा डॉक टाइप एच टी एम एल लगाना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच टी एम एल टैग ओपन करेंगे। ठीक है, अब एक बार ओपन हो गया कि इसके अंदर पूरा कंटेंट डालेंगे, हेड टैग। ठीक है, हेड टैग लगाना है, उसके बाद क्या करना है, टाइटल टैग लगाना है। टाइटल टैग के अंदर कोई भी टाइटल दे दो। अब ऑलरेडी सेड के टाइटल टैग किस लिए यूज होता है, टाइटल टैग का जो टाइटल है ये टाइटल बार पे नजर आता है, राइट। टाइटल टैग के अंदर जो भी कंटेंट तुम डालोगे, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, ठीक है, तो ये कंटेंट टाइटल बार पे नजर आएगा। मैंने एक पिक्चर शेयर की थी जब मैं लेक्चर्स ले रही थी, तो पिक्चर पे मैंने बताई थी जब लैपटॉप पे बहुत सारे टैब्स खुलते हैं तो जो टैब का ऊपर का जो टाइटल होता है, राइट, वहां पे मैंने बताई थी, तो वहां पे ये टाइटल नजर आता है। तो यहाँ पे हमने टाइटल क्या दिए पेज का, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स, यहाँ पे हेड क्लोज कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे। बॉडी के अंदर मेन कंटेंट, जो भी पूरा वेब पेज बनकर आएगा ना वो पूरा कंटेंट हमको बॉडी टैग के अंदर डालना होता है, बिकॉज जो बॉडी होती है वही हमारी पूरी वेबसाइट होती है। ठीक है,
तो बॉडी टैग ओपन करने के बाद अब अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स लगा दो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हमने बहुत सारे देखे थे थियरी में, राइट। जैसे पी टैग क्यों यूज होता है, पैराग्राफ ऐड करने के लिए। तो पी टैग ओपन किए, उसके अंदर कोई भी पैराग्राफ डाल दो, यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइन डाली हुई है, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, ठीक है, और पी टैग को क्लोज कर दिया गया स्लैश पी करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम बड़ा लंबा चौड़ा 3-4 लाइन या फिर 10 लाइन का भी पैराग्राफ डाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो। अनादर पी टैग यूज किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पी टैग के साथ देखो बी टैग भी लगाया हुआ है। पी टैग ओपन हुआ, अगेन फिर बी टैग ओपन हुआ, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, फिर बी टैग को क्लोज किया गया, टैग को क्लोज किया गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग पी टैग के साथ साथ बी टैग भी लगा रहे हो, बी बी फॉर बोल्ड। तो जो भी पैराग्राफ का कंटेंट रहेगा वो बोल्ड में नजर आएगा, ठीक है। तो ये कर दिए, फिर उसके बाद हमने सी इटैलिक टैग लगा दिए, पी टैग ही ओपन की, उसके बाद आई टैग लगा दिए, ठीक है, दिस इज इटैलिक टेक्स्ट, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, आई टैग क्लोज हुआ, पी टैग क्लोज हुआ, ठीक है। इटैलिक बोले तो थोड़ा सा स्लाइटली स्लैंट पोजिशन में वो आएगा, ठीक है। फिर से हमने पी टैग ओपन किए, अब यहाँ पे ई एम टैग लगा दिए, एज यू कैन सी ई एम टैग यहाँ पे यूज हुआ है। ई एम के अंदर क्या लिखे, दिस इज एम्फसाइज टेक्स्ट, फिर ई एम को क्लोज कर दिए, पी टैग को क्लोज कर दिए। ई एम बोले तो एम्फसाइज बोले तो वो अगेन इटैलिक के जैसा नजर आएगा, थोड़ा सा स्लैंट हो गया, ठीक है। फिर हमने एक हेडिंग लगाए, हेडिंग एच टू यहाँ पे दिख रही है। जब भी हेडिंग अप्लाई करनी होती है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड H1 से लेके H6 के हम हेडिंग्स लगाते हैं। H1 हेडिंग जो सबसे बड़ी होती है, H2 उससे थोड़ी छोटी, H3 उससे भी छोटी, इस तरह से H6 जो होती है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। तो H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स यूज कर सकते हो। यहाँ पे हेडिंग हमने H2 यूज किए, H2 में क्या डाले, HTML हेडिंग डाले, ठीक है। फिर हमें क्या करना था, एक स्मॉल टेक्स्ट ऐड करना था, तो हमने देखो स्मॉल टैग लगाए। अब स्मॉल टैग क्या करता है, जो तुम्हारा टेक्स्ट होता है उसको कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा बना देता है, फॉन्ट साइज जो होती है उसकी बहुत छोटी हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर फॉन्ट साइजेस, ठीक है। तो नॉर्मली जो हेडिंग की साइज होती है, फॉन्ट साइज, वो बड़ी होती है, बट अगर तुम स्मॉल टैग वहां पे लगाओगे तो हेडिंग की जो साइज रहेगी वो छोटी होके नजर आएगी, ठीक है। तो ये काम होता है स्मॉल टैग का, ठीक है। उसके बाद जो लिखना है लिख दो। देन लास्टली हमने फिर से एक H2 टैग लगा दिए, ठीक है, उसके अंदर भी HTML लिखे। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लगाए, मार्क टैग लगाए। मार्क टैग क्या करता है, जो भी कंटेंट तुम्हारा रहेगा, जो भी टेक्स्ट तुम डालोगे उसको हाईलाइट कर देता है। जब हम कभी पढ़ाई कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई नोट्स हमारे सामने होते हैं और कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, कोई टॉपिक रीड कर रहे हैं हम, तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मार्क टैग का काम। नॉर्मली जब वेबसाइट्स तुम लोग बनाते हो, जो भी स्टेटमेंट वहां पे डालोगे वो क्या कर देगा, उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो ये मार्क टैग का काम होता है। ये हो जाने के बाद मैं इसको सबको हटा देती हूँ। नाउ सी नेक्स्ट हमने क्या कर दिए, ठीक है, यहाँ पे देखो डिलीट टैग का भी यूज किए हैं हमने। डिलीट टैग क्या कर देता है, एक पर्टिकुलरली जो कंटेंट हमने डाला हुआ है उसको डिलीट कर देगा। डिलीट बोले तो वो गायब नहीं हो जाएगा, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ हो जाएगी, स्ट्राइक आ जाएगा बीच में से, मतलब शो हो रहा है कि ये कंटेंट डिलीटेड है, ठीक है। तो ये डिलीट टैग का काम है। उसके बाद हमने यहाँ पे सी इंसर्ट एलिमेंट भी लगाए, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है INS, ठीक है, इंसर्टेड बोले तो वहां पे जो न्यू इंसर्ट करना है डेटा को उसको तुम कर सकते हो, तो वो अंडरलाइंड वे में वहां पे शो होता है। उसके बाद लास्ट में हमने सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट देखे। सबस्क्रिप्ट जो चीजों को बेस में लेके जाती है, जैसे कभी केमिकल फॉर्मूलाज लिखने, जैसे H2O, तो 2 क्या होता है, H के बेस में होता है, राइट। तो ये ऐसा अगर लिखोगे तो नॉर्मल आएगा, 2 भी बड़ा आएगा, लेकिन अगर सबस्क्रिप्ट लगाओगे ना तो 2 जो है वो बेस में चला जाएगा। तो सबस्क्रिप्ट क्या करता है, चीजों को बेस में लेके जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, चीजों को पावर में लेके जाता है, रेस 2 के फॉर्म में दिखाता है। तो ये सारे टैग ऑलरेडी हमें थियरी पार्ट में पढ़ा चुकी हूँ, यहाँ पे सिर्फ हमने क्या किया, उसको कोडिंग में अप्लाई किए। लास्ट में हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे एंड एट द एंड HTML को क्लोज करेंगे। फिर क्या करना है, नोटपैड में ये टाइप कर लिए, फिर फाइल का ऑप्शन रहेगा टॉप में मेन्यू में, ठीक है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के लिए बोलेगा, तो सेव एज पे क्लिक करके फिर चूज करो, फोल्डर बना लो तुम्हारे नाम का डेस्कटॉप वगैरह पे, ठीक है, वो डेस्कटॉप के फोल्डर में जाना है और उस फाइल को सेव करना है 1.html।
डॉट एच टी एम एल लगाना नहीं भूलना है. जब तक डॉट एच टी एम एल नहीं लगाओगे, ब्राउजर स्पेसिफाई नहीं करेगा कि एच टी एम एल की फाइल है. तो डॉट एच टी एम एल लगा देने के बाद सेव हो गया, ओके पे प्रेस कर दिए. फिर क्या जाना है, डेस्कटॉप पे जाना है, तुम्हारे उस फोल्डर को ओपन करना है और जो तुम्हारी फाइल अभी अभी जस्ट तुमने सेव की है उसको सिंपली डबल क्लिक करना है, तो वो तुम्हारी फाइल ब्राउजर में ओपन होगी और तुम्हें तुम्हारा आउटपुट जो है वो नजर आएगा. ठीक है, आउटपुट में क्या नजर आएगा, जो भी हमने टैग्स लगाए हैं वो टैग्स का आउटपुट नजर आएगा. जैसे यहाँ पे हमने पी टैग लगाए तो एक पैराग्राफ नजर आएगा, बी टैग लगाए तो दूसरी जो लाइन थी वो बोल्ड में नजर आएगी. ठीक है, फिर उसके बाद इटैलिक टैग लगाए हैं तो वो वाली लाइन स्लैंट पोजीशन में नजर आएगी. फिर स्मॉल टैग लगाए तो वो वर्ड छोटा थोड़ा छोटा नजर आएगा. मार्क टैग लगाए हैं तो वो एक पर्टिकुलर वर्ड हाईलाइटेड नजर आएगा. इस तरह से जितने टैग्स लगाए हो उस हिसाब से चेंजेस तुमको तुम्हारे आउटपुट में नजर आएंगे. यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया ये पार्ट? इज इट क्लियर टिल हियर? यस मैम. ठीक है, अब देखो प्रोग्राम नंबर टू. प्रोग्राम नंबर टू में भी थोड़े बेसिक टैग्स यूज हुए हैं, लेकिन थोड़े अलग टैग्स यूज हुए हैं. यहाँ पे हमने जो किए वो भी है लेकिन थोड़े डिफरेंट दिए हुए. देखो सेम वे में सबसे पहले क्या करेंगे, अब क्या करना है, फिर से न्यू फाइल ओपन करनी है नोटपैड प्लस प्लस में. ठीक है, वो हो गई. अभी ये दूसरा टाइप कर रहे हो तो सेम इसमें नहीं टाइप करना है, दूसरा पेज ओपन करना है, न्यू पेज लेना है, न्यू फाइल लेनी है. उसमें फिर से स्टार्टिंग में क्या कहोगे, डॉक टाइप एच टी एम एल. ये क्या बताता है कि जो तुम्हारा कोड है वो एच टी एम एल का कोड है. ठीक है, एच टी एम एल डॉक्यूमेंट है. फिर उसके बाद एच टी एम एल टैग ओपन किए, हेड टैग ओपन किए. हर कोड का कॉमन स्ट्रक्चर है, ये याद रखना. डॉक टाइप हमेशा ओपन होगा ही होगा, एच टी एम एल टैग हर कोड में ओपन होगा ही होगा. हेड टैग ओपन करना है, हेड टैग के अंदर टाइटल देना ही देना है ताकि तुम्हारे पेज का टाइटल नजर आ सके. ठीक है, अब हमने टाइटल में देखो क्या दिए, बेसिक एच टी एम एल टैग. फिर टाइटल को क्लोज कर दिए, हेड को क्लोज कर दिए. अब क्या कर रहे हैं, हम बॉडी को ओपन कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन बॉडी को ओपन करके बॉडी का बैकग्राउंड भी अब यहाँ पे सेट कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो ये भी चीज कर सकते हो. ऊपर वाले कोड में सिर्फ बॉडी एज इट इज खोले थे, उसके साथ कोई एट्रीब्यूट नहीं लगाए थे. अब हम बॉडी के साथ क्या लगा रहे, बैकग्राउंड का एट्रीब्यूट लगा रहे. बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू सैंपल डॉट जेपीजी. एक इमेज का नाम दे रहे, जो इमेज मुझे इमेज बैकग्राउंड में चाहिए, मेरे वेबसाइट के बैकग्राउंड में जो मैं इमेज चाहती हूँ वो वाली इमेज क्या करेंगे, हम यहाँ पे उस इमेज का नाम देंगे. तो ये इमेज तुमको कहाँ पे सेव करनी है, तुम्हारे उस फोल्डर में जो तुम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, क्योंकि ये फाइल भी उसी फोल्डर में सेव करोगे, राइट, प्रोग्राम टू के नेम से. तो तुमको क्या करना है, जो इमेज तुमको बैकग्राउंड में लगानी है वो इमेज को तुमको उसी फोल्डर में सेव करना है जो तुमने बनाए हो डेस्कटॉप पे अपने नेम से. ठीक है, और फिर उस इमेज का नाम यहाँ पे देना है और उसका एक्सटेंशन प्रॉपर्टीज में जाके चेक करना है, डॉट जेपीजी है, डॉट टीएनजी है, जो भी रहेगा एक्सटेंशन वही यहाँ पे लगाना है. ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किए, देखो फॉन्ट फेस लगाए. फॉन्ट फेस बोले तो क्या, जो फॉन्ट टाइप तुमको देनी है. तो यहाँ पे हमने दिए पलाटिनो लिनो टाइप, जो कि नाम है फॉन्ट का, कोई दूसरा भी दे सकते हो. ठीक है, वर्डाना वगैरह बहुत सारे टेक्स्ट टाइप्स आते हैं वो लगा दो. और फिर फॉन्ट का कलर हमने सेट किए इज इक्वल्स टू रेड. तो जो भी फॉन्ट अब हम लिखेंगे ना इसके अंदर वो कौन से कलर में वहां पे शो होगा, रेड कलर में शो होगा. ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक हेडिंग वन अप्लाई कर दिए. अब उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एट्रीब्यूट लगा रहे अलाइन और सेंटर. तो ये जो हेडिंग अप्लाई होगी ये कहाँ पे अप्लाई होगी, सेंटर में अप्लाई हो जाएगी. फिर यहाँ पे हेडिंग दे दो, H1 क्लोज हो गया. फिर BR टैग हमने लगाए, दैट मीन्स व्हाट, BR टैग का मैंने यूज बताई थी. BR टैग क्या करता है, लाइन में स्पेस ऐड करता है. डायरेक्टली जो ब्राउजर है वो स्पेसेस इंडिकेट नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता, हमें BR टैग लगाना पड़ता है. BR और HR ये दो ऐसे टैग्स हैं जिनकी ओपनिंग होती है बट क्लोजिंग नहीं होती. ठीक है, ये एम्प्टी टैग्स है, इनको सिर्फ हम ओपन करते क्लोज नहीं करते. बाकी के जितने भी HTML के टैग्स हैं उनकी ओपनिंग भी है एज वेल एज क्लोजिंग भी है. तो BR क्या काम करता है, BR लाइन में स्पेस ऐड कर देता है. मतलब जो हेडिंग है उसके नीचे दो लाइन स्पेस ऐड होगी, फिर दूसरी लाइन जो है वो नजर आएगी. फिर हमने हेडिंग टू अप्लाई कर दिए. ठीक है, हेडिंग टू के बाद भी देखो BR लगा दिए, मतलब और दो लाइन की स्पेस ऐड हो गई. देन हमने अगेन क्या किया, H3 हेडिंग लगा दिए, जिसको हमने अलाइन कर रहे राइट बोले. तो ये हेडिंग जो है ये राइट साइड में पेज के नजर आएगी. फिर हेडिंग अप्लाई करके फिर से BR लगा दिए, मतलब अगेन दो लाइन की जो है वो स्पेस ऐड हो रही है. अगेन हमने क्या किया, H4 हेडिंग लगा दिए. ठीक है, उसके बाद फिर से BR लगा दिए. फिर लास्ट में हमने H5 हेडिंग लगा के उसको राइट अलाइन कर दिए. ठीक है, उसके बाद भी हमने क्या कर दिए, BR दो लगा दिए. एंड लास्टली हमने H6 लगा दिए. तो यहाँ पे हम पूरे हेडिंग टैग्स यूज कर रहे हैं फ्रॉम H1 टिल H6 और उनको अलाइन भी कर रहे हैं. मतलब एक हेडिंग को लेफ्ट अलाइन कर दो, एक हेडिंग को राइट अलाइन कर दो, तुम जिधर मर्जी उधर हेडिंग को अलाइन कर सकते हो, राइट लेफ्ट या सेंटर. ठीक है, तो जहां पे भी तुमको अलाइनमेंट चाहिए तुम्हारे टेक्स्ट का, वो अलाइन की प्रॉपर्टी बस सेट कर देनी है वहां पे. ठीक है,
उसके बाद देखो दूसरा फॉन्ट टैग मैंने ओपन की, जहां पे अगेन मैं क्या कर रही हूँ, उधर फॉन्ट का नाम दे रही हूँ अगेन पलाटिनो लिनोटाइप, और अब मैं जो कलर अप्लाई कर रही हूँ वो है क्या है ब्लैक। तो अब इसके अंदर जो भी मैं टेक्स्ट डालूंगी ना वो ब्लैक कलर में नजर आएगा। ये वाला टेक्स्ट कैसा नजर आ रहा है, रेड कलर का, वाई, बिकॉज वी हैव सेट द कलर रेड। अब जो भी टेक्स्ट मैं ये वाले फॉन्ट के अंदर डालूंगी ये ब्लैक कलर में नजर आएगा, वाई, बिकॉज आई हैव सेट द कलर एज ब्लैक। ठीक है, फिर उसके बाद देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक बोल्ड टैग बी टैग ओपन करके, ठीक है, वहां पे बोल्ड एक हेडिंग डाल दी, टेक्स्ट डाल दी, फिर मैंने आई टैग से देखो इटैलिक टेक्स्ट डाल दी, फिर स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट डाल दी। स्ट्राइक थ्रू मैंने बताई थी कि बीच में से लाइन ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट मैं यहाँ पे भी यूज कर रही हूँ। सबस्क्रिप्ट क्या, जो बेस में लेके जाता है चीजों को, और सुपरस्क्रिप्ट जो पावर के फॉर्म में, रेस टू के फॉर्म में लेकर जाता है, ठीक है। फिर अगेन मैं क्या कर रही हूँ, बी आर लगा रही हूँ, दैट मीन्स दो लाइन स्पेस फिर से एड हो जाएगी। फिर अब देखो यहाँ पे एक टीटी टैग लगा दिया अगेन टेक्स्ट, ठीक है, ट्रू टाइप फॉन्ट, ये भी टैग क्या करेगा, टेक्स्ट दिखाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अगेन हमने एक स्मॉल टैग लगाया है, स्मॉल फॉन्ट हो जाएगा जो तुम्हारा फॉन्ट है वो कंपैरेटिवली तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा दूसरे टेक्स्ट के मुकाबले, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कर दिए, अब एचआर टैग लगा दिए। एचआर टैग बोले तो क्या, वो हॉरिजॉन्टली क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर देगा, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी तुम्हारे वेब पेज पे, मतलब वो बांट देगा ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो है इसमें पार्टीशन आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो दूसरे भी बहुत सारे टैग्स लगाए हुए, बेसिक टैग्स जो ऑलरेडी तुम लोग पढ़ चुके हो थ्योरी वाले कंटेंट में, ठीक है। सी यहाँ पे फिर से एक एचआर टैग लगाए, बीआर टैग लगाए, और लास्ट में देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक लिंक ऐड किए। मैं ऑलरेडी बता चुकी थी कि जब भी तुमको कोई पेज लिंक करना है, कोई वेब पेज लिंक करना है, तो तुम लोग क्या करते हो, सिंपली ए एचरेफ टैग लगाते हो। ए टैग होता है और एचरेफ जो होता है वो उसका एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो एचरेफ के आगे तुमको क्या देना है, यहाँ पे नाम देना है पूरा। तो यहाँ पे नाम क्या दोगे, तुम्हारे फोल्डर का नाम, सॉरी जो ड्राइव में तुम्हारा फोल्डर है वो ड्राइव का नाम, ठीक है। फिर तुम्हारे फोल्डर का नाम, फिर वो फोल्डर के अगेन अगर कोई और फोल्डर है तो वो, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल वन और जो भी प्रैक्टिकल का नाम है वो, ठीक है। तो ये जो पूरी जो लिंक है ना, ये तुम एज इट इज कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देना है दिस इज अ लिंक, तो जो भी बंदा इस टेक्स्ट पे क्लिक करेगा वो कहाँ पे पहुंचेगा, इस वाले प्रैक्टिकल पे पहुंचेगा। बॉडी को क्लोज कर दो, एचटीएमएल को क्लोज कर दो। अब इसको सेम प्रोसेस करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज करना है, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम टू से सेव करो और डॉट एच टी एम एल का एक्सटेंशन लगा दो, क्योंकि वो कंपलसरी है, वरना ब्राउजर तुम्हारा जो है वो ये नहीं करेगा, अंडरस्टैंड नहीं करेगा कि एच टी एम एल फाइल है। उसके बाद फिर से तुम्हारे फोल्डर में जाओ, अब तुम्हारा प्रोग्राम टू जो सेव हुआ है उसके ऊपर डबल टिक करो, डबल क्लिक करो, तो वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, और फिर तुमने जो भी आउटपुट यहाँ पे कोडिंग किया हुआ एज एन आउटपुट तुमको वहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज के साथ, बिकॉज वी हैव एडेड द बैकग्राउंड इमेज एज वेल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो प्रोग्राम थ्री है यहाँ पे। अब प्रोग्राम थ्री में भी हम सेम चीजें यूज करें, बताने की तो जरूरत नहीं है, देखकर ही चीजें समझ में आओगे, समझ जाएगा। अब क्या करना है, फिर से न्यू फाइल ओपन करनी है नोटपैड प्लस प्लस में ही, ठीक है। न्यू पे क्लिक करना है, वहां पे अगेन डॉक टाइप एच टी एम एल, फिर बॉडी ओपन करनी है। देखो यहाँ पे हेड टैग हमने नहीं लगाए, लगाना है लगाओ, नहीं भी लगाए तो चलेगा, बट लगाना जरूरी क्यों है, बिकॉज वो अच्छा दिखता है तुम्हारा पेज। अगर तुम हेड टैग नहीं लगाओगे, हेड टैग के अंदर टाइटल नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा जो टाइटल है वो टाइटल बार पे नजर नहीं आएगा, तो तुम्हारा वेब पेज जो है वो थोड़ा ब्लैंक नजर आएगा, अच्छा नहीं दिखेगा, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हम ऊपर लगा चुके हैं, तो यहाँ पे हमने वो पार्ट स्किप कर दिए। बॉडी ओपन हो गई, फिर से देखो पी टैग ओपन किए, बी टैग लगा दिए उसमें, फिर और एक पैराग्राफ में इटैलिक टैग लगाए, सबस्क्रिप्ट लगाए, सुपरस्क्रिप्ट लगाए, सारे टैग जो ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं वही यहाँ पे लगा दिए हमने, ठीक है। अगेन हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग टैग लगाए। स्ट्रॉन्ग भी क्या करता है, टेक्स्ट को बोल्ड में लिख देता है, ठीक है। अगेन हमने ईएम टैग लगाए, ईएम टैग क्या करता है, इटैलिक में ले आता है। अगेन स्मॉल टैग लगाए, स्मॉल टैग क्या करता है, छोटा कर देता है। फिर से हमने मार्क टैग लगाए, मार्क टैग क्या करता है, हाईलाइट कर देता है। डिलीट टैग लगा दिए, ठीक है, डिलीट जो भी कंटेंट करना है उस पर डिलीट टैग अप्लाई करना है। एंड देन आईएनएस टैग क्या करता है, इंसर्ट करता है डेटा को। बॉडी क्लोज हो गई, एचटीएमएल क्लोज हो गया। तो इस तरह से तुम लोग क्या करते हो, HTML की कोडिंग करते हो। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और ये फर्स्ट प्रोग्राम है तुम्हारे HTML का, जिसमें क्या हमने देखे, बेसिक HTML के टैग देखे। तो सिंपल सा स्टेप है, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करो, न्यू फाइल ले लो, जो भी ये कोड दिखाया हुआ है एज इट इज उस फाइल में डाउनलोड टाइप करो। जिसके पास भी घर में लैपटॉप है उस पे कर सकते हो,
या अगर फोन में करना चाहते हो तो फोन में भी कर सकते हो। देखो सबसे बड़ा फायदा हमारे HTML के सब्जेक्ट का कि ये प्रैक्टिकल्स तुम्हारे फोन में भी रन हो जाएंगे। जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो क्या करो, अपने फोन में सिंपली प्ले स्टोर पे से नोटपैड प्लस प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे मोबाइल में नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो जाएगा, वहाँ पे न्यू फाइल लेनी है, वहाँ पे ये पूरा कोड एज इट इज टाइप करना है जिसे यहाँ पे दिया हुआ है, और वहीं से क्या करना है कोड को रन करना है। तो वो एज इट इज रन हो जाएगा तुम्हारे मोबाइल के ब्राउजर में और तुम्हारा आउटपुट तुमको मोबाइल में नजर आएगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है हमारे HTML के प्रोग्राम्स का कि ये सिंपल कोड है तो तुम्हारे मोबाइल में इजीली रन हो जाएंगे। और जिसके पास लैपटॉप है वो मोबाइल में मत करो, क्योंकि लैपटॉप पे ज्यादा बेटर वे में अच्छे से दिखाई देगा आउटपुट, तो लैपटॉप पे कर सकते हो। लैपटॉप पे क्या करना है, नोटपैड प्लस प्लस ओपन करना है, जिनके लैपटॉप्स में नहीं है गूगल से डायरेक्टली मिल जाएगा डाउनलोड, नोटपैड प्लस प्लस डालोगे तो वो लिंक आ जाएगी, उस पर से डाउनलोड करना है, उसको ओपन करके न्यू फाइल लेनी है, जो कोड हमने देखे तीन प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम 1 को एज इट इज टाइप करना है, फिर सेव एज करना है, सेव एज अपने एक फोल्डर बना लो डेस्कटॉप पे अपने नाम का, उसी फोल्डर में सारे प्रैक्टिकल सेव करते जाओ। ठीक है, फिर उसके अंदर सेव करके हमको .html से सेव करना है, ये याद रखना हमेशा, और फिर जाना है वापस से उस फोल्डर में और डबल क्लिक करके उसको ब्राउजर में ओपन करके आउटपुट व्यू करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ रनिंग योर प्रोग्राम, HTML प्रोग्राम। आई होप यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया तो एक बार हाँ बोलो। हाँ मैम, समझ में आया। ठीक है, आज ये परफॉर्म करके देखना, मैं भी वीडियो बनाऊंगी मेरा खुद का लैपटॉप पे, मैं परफॉर्म करके तुम लोगों को वीडियो सेंड कर दूंगी, ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूंगी। चाहे उतना यस ट्राई करो मोबाइल पे लैपटॉप पे रन करने की, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक, ठीक है। चल, धन्यवाद।